अलवर के थानागाजी में हुए गैंगरेप का मामला अब तुल पकड़ता जा रहा है और इसी मामले में तीसरे आरोपी अशोक कुमार को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। वहीं बुधवार को विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से इस घटना को लेकर आक्रोश भी जताया गया। थानागाजी में महिलाओं और पुरुषों ने हाथ में तख्ती लेकर इस घटना पर आक्रोश जताया और इसी दौरान लोगों ने दुष्कर्मियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग उठाई। इसके अलावा इस मामले में सरकार ने अलवर एसपी डॉक्टर राजीव पचार को भी एपीओ कर दिया है और फिलहाल मुख्य आरोपी की तलाश के लिए पुलिस की ओर से कई टीमों का गठन किया जा चुका है और अब ये सभी टीमें लगातार उन बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है। आपको बता दें कि अलवर में जिस तरह से पति पत्नी को बंधक बनाकर निर्वस्त्र करके पत्नी का दुष्कर्म किया गया और इसी मामले ने अब इतना तुल पकड़ लिया है कि कई सामाजिक संगठन इसके पक्ष में उतरे और सभी आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं और इस पूरे मामले में अलवर के एएसपी को भी एपीओ किया गया। जी हां, एएसपी राजीव पचार को इस पूरे मामले पर एपीओ किया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े होते हैं लापरवाही बरतने में। पुलिस ने अब तीसरे आरोपी को भी हालांकि गिरफ्तार कर लिया है जिसका नाम अशोक है और इंद्राज और मुकेश को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है और अब इन सभी आरोपियों से पुलिस कड़ाई से पूछताछ कर रही है। वहीं मुकेश पर वीडियो वायरल करने का आरोप है और इसी खबर पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए एवन संवाददाता चंद्रशेखर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। चंद्रशेखर, इस पूरे मामले पर हालांकि अब पुलिस की तरफ से कुछ कार्रवाई अवश्य की गई, तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और साथ ही एक उपलब्धि कह सकते हैं पुलिस की कि जो अलवर का एएसपी है राजीव पचार, उन्हें भी एपीओ किया गया इस पूरे मामले में। जी, बताना चाहूंगा कि प्रथम दृष्टया जब यह घटनाक्रम हुआ था उसके बाद रिपोर्ट दर्ज करने में लापरवाही रही हुई या आरोपियों की गिरफ्तारी में, इस मामले में सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए अलवर एसपी को एपीओ कर दिया है और थानागाजी के जो थाना प्रभारी थे उनको सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस ने इस मामले में देर रात को एक जो आरोपी अशोक था उसको भी गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी अभी फरार है और पुलिस की ओर से 14 टीमें बनाई गई हैं और जो विभिन्न स्थानों पर दबिश दे रही है और मुख्य आरोपी की तलाश की जा रही है। ज्योति, चंद्रशेखर, इस पूरे मामले पर राजनीतिक दल भी अपना अपना पक्ष रखते नजर आए, भले ही आप किसी को भी ले लीजिए, जिस तरह से किरोड़ी लाल की मैं बात करूं, उन्होंने भी इस पूरे मामले पर राजधानी में धरना देने की बात कही, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, इस घटना का जैसे ही उजागर हुई, लोगों को पता चला, उसके बाद राजनीतिक दल सक्रिय हो गए। कांग्रेस के कांग्रेस प्रत्याशी भंवर जितेंद्र सिंह और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बाबा बालकनाथ भी मौके पर कल पहुंचे थे। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा राज्यसभा सांसद भी पहुंचे थे, जिन्होंने पीड़ित परिवार को 1,00,000 रुपए की मदद की और आज उन्होंने सीएम हाउस पर सांकेतिक धरने की चेतावनी भी दी थी। इसके अलावा आज कई सामाजिक संगठन और भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा के संगठन है उनकी ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। थानागाजी में भी प्रदर्शन हो रहे हैं और अलवर कोर्ट में भी विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों द्वारा प्रदर्शन कर कलेक्टर को ज्ञापन दिया जा रहा है। ज्योति जी, चंद्रशेखर, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले में इंद्राज और मुकेश को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है और अब अशोक नाम के एक और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और मुख्य आरोपी चूंकि अभी भी फरार चल रहा है और इसके लिए अलवर की पुलिस ने 14 टीमों का गठन कर उस मुख्य आरोपी की तलाश करना शुरू कर दिया है और इस पूरे मामले पर लापरवाही बरतने के आरोप में अलवर के एएसपी राजीव पचार को भी एपीओ किया गया। चूंकि ये पूरी घटना हम आपको बता दें चुनाव से पहले की है, एक विवाहिता के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया जो कि अपने आप में बहुत ही शर्मनाक घटना है। इन दिनों ऐसा लगता है जैसे राजस्थान की साख दांव पर लगी है, हर कहीं महिलाओं के साथ अत्याचार होते नजर आते हैं और अलवर में जो घटना हुई पूरे राजस्थान की शर्म से आंखें झुक गई और हर कोई इस घटना को सुनकर उसकी रूह कांप गई।